हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों को बीएससी फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का यूनिट सेकंड, या फिर हम कह सकते हैं कि चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट्स मिलने वाले हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। इंग्लिश मीडियम पीडीएफ आपको मिलेगा आज की वीडियो के अंदर। जैसा कि मैंने आपको यूनिट वन इससे पहले वाली जो वीडियो में प्रोवाइड किया हुआ था उसमें आपको बताया था कि फ़िलहाल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो फिजिक्स का पेपर है उसके नोट्स की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पेपर के पांचों यूनिट का सभी चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के अंदर। और ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बीएससी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो पूरा मैंने स्क्रीन पर दिखाया हुआ है। इस चैप्टर के अंदर आपको बीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक्स करने हैं, जिसके मैं आगे आपको नोट्स प्रोवाइड कराने वाली हूँ। ओके, सो नाउ यहाँ से आपके यूनिट टू के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट्स स्टार्ट होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है गॉस लॉ एंड इट्स इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म। तो इसका पूरा डेरिवेशन है जो कि आपको यहाँ से करना है, क्योंकि इससे डायरेक्ट आपका न्यूमेरिकल बनता है। डिस्क्राइब या फिर डिराइव डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, तो जिसमें आपको पूरा डेरिवेशन सॉल्व करना होगा। ठीक है, डेरिवेशन इसमें जो भी हैं आप सारे अपनी रफ में बिना देखें प्रैक्टिस कर करके सॉल्व करें, तभी आपको डेरिवेशन याद होंगे। क्योंकि ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का पेपर है फिजिक्स के अंदर, इसमें आपके डेरिवेशन काफ़ी सारे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको नोट्स दे दूं, आपने नोट्स की रीडिंग लगा ली और काम हो गया। डेरिवेशन आपको बिना देखे नोट्स में से समझ लीजिए और फिर बिना देखे उन्हें सॉल्व करिए। ठीक है, इसमें आपको जितने भी आपके बीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स हैं सारे डाल दिए गए हैं। यदि ये नोट्स भी आप पढ़ लेते हैं तो ये आपके लिए एनफ होंगे। और हाँ, एक बात और, ये नोट्स सभी यूनिवर्सिटी के बीएससी स्टूडेंट्स जिनके फिज़िक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का पेपर है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए नोट्स हेल्पफुल हैं। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिन्हें फ्री में पूरी पीडीएफ चाहिए तो वो तो वीडियो में से देखकर यहाँ से एक एक पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं आपको वीडियो के अंदर पूरा पीडीएफ दिखाऊंगी इस चैप्टर के नोट्स का। बाकी जिन्हें डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए, डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड करना है, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का ये जो पेपर है बीएससी फिजिक्स का, इसके सारे चैप्टर सारी यूनिट्स के नोट्स चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वहाँ से आपका ये पूरा पेपर कंप्लीट कवर हो जाएगा। आप सिर्फ इन नोट्स को पढ़ लेते हैं तो आपका ये पूरा पेपर कंप्लीट तैयार हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर बीएससी सिलेबस। फिर इसके अलावा आपको कोई भी और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नोट्स एकदम ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ कम्प्लीट सिलेबस कवर अप नोट्स हैं। फिर है इसमें नेक्स्ट, देखो टॉपिक है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। तो ये दो इसमें अलग अलग टॉपिक हैं आपके, इनकी एक्सप्लेनेशन है, थ्योरी है। थ्योरी वाला पोर्शन तो आप केवल नोट्स से पढ़ के ही समझ लोगे, बाकी जो इसमें छोटे छोटे फॉर्मूला डेरिवेशन है उनको आप थोड़ा अच्छे से याद कर ले, क्योंकि या तो आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कोई छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ ले, लेकिन इस पेपर में ज़्यादा चांसेस हैं डेरिवेशंस के और थ्योरेटिकल पोर्शन के क्वेश्चन के, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। फिर इसमें ये नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, तो ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है वहाँ एग्ज़ाम में। ये जो टॉपिक्स लिख रहे हैं ना इसमें छोटे छोटे, इनको डायरेक्ट आपसे पूछेगा एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन या एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये आपको छोटे छोटे मार्क्स में ऐसे बड़े क्वेश्चन में आपके पांच आपको ऑप्शंस दे देगा कि इन पांचों पॉइंट को आप एक्सप्लेन करिए, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें डिराइव करनी होंगी। ये चीज़ें जो इसमें नोट्स में लिखी हुई है ना, इन चीज़ों को एज इट इज़ वहाँ पर आप लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इतनी थ्योरी काफ़ी है बीएससी के अकॉर्डिंग, आपको एग्ज़ाम के जितना लिखना है ना उतना ही नोट्स में दिया हुआ है। फिर यहाँ से नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है लॉरेंस लोकल फील्ड, इसमें आपका एक क्लॉसियस मोसर्टी रिलेशन है, ये आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा। बाकी आप इसमें पूरा अच्छे से कर पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ से इसमें क्लॉसियस मोसर्टी रिलेशन का डेरिवेशन स्टार्ट होता है ये वाले पेज से, तो ये रिलेशन आप ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। सिर्फ नोट्स पढ़ लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या है एक आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन बन रहा है। फिर आपका ये जो चैप्टर है बीएससी के अकॉर्डिंग कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर आपका ये नोट्स की पीडीएफ कम्प्लीट हुई।
आपका इसी चैप्टर सेकेंड यूनिट की इलेक्ट्रोस्टैटिक के हिंदी मीडियम के नोट्स स्टार्ट होते हैं। तो जो आपको इंग्लिश मीडियम में नोट्स दिखाए थे वही टॉपिक्स को इस पीडीएफ के अंदर हिंदी मीडियम में प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये वीडियो दोनों मीडियम के नोट्स प्रोवाइड कराने के लिए बनाई हुई है। स्टार्टिंग में आपको इंग्लिश मीडियम के नोट्स प्रोवाइड करा दिए और अब आपके हिंदी मीडियम की पीडीएफ चल रही है। इसका भी आपको डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चाहे तो आप वीडियो में से देखकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खुद के नोट्स बना सकते हैं, या फिर जिन्हें डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर के जितने भी डेरिवेशंस हैं सभी को प्रैक्टिस कर करके याद करें। सिर्फ नोट्स में पढ़ लेने से, नोट्स से ही समझ लेने से डेरिवेशंस याद नहीं होंगे। डेरिवेशंस को समझने के लिए आपको इन्हें बिना देखे रफ में 3-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको डेरिवेशंस क्लियर होंगे। ये जो आपका पेपर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वाला, तो इस पूरे पेपर में आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी में सारे आपके डेरिवेशंस ही हैं। मोस्टली थ्योरी बहुत ही कम है इस पेपर के अंदर, तो ये आपका एक तरीके से मैथमेटिकल पोर्शन आप इसमें कह सकते हैं ज़्यादा यूज़ हुआ है, इसलिए इसे आपको अच्छे से करना पड़ेगा। थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है ये पेपर, बाकी इजी है। इसके सारे डेरिवेशंस आपको समझ में तो एक बार में ही आ जाएंगे, लेकिन एक ही रहता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो लिखने की प्रैक्टिस होती है तो वो आपको करनी पड़ेगी। और जो भी आपके जितने भी डेरिवेशंस हैं वो सारे ही नोट्स के बाहर से कोई सा भी नहीं आएगा, सारे नोट्स में कवर किए हुए हैं। तो यदि आप ये नोट्स भी अच्छे से कर लेते हैं तो आपके लिए एनफ रहेगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के नोट्स मैंने खुद से बनाए हुए हैं और ये जो हिंदी मीडियम के नोट्स हैं ये आपके लिए किसी और स्टूडेंट से बनाए हुए हैं, इसलिए राइटिंग में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा ही। अब देखिए, ये जो आपका सेकेंड यूनिट था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, इसके अंदर आपके दो पार्ट है, तो यहाँ से इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में सिलेबस दिखाया था इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के अंदर, तो वहाँ पर आपने देखा होगा सिलेबस में दो पार्ट है, तो ये जो इसका सेकेंड पार्ट है ना वो इसमें कवर किया हुआ है। एक फर्स्ट पार्ट तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, सेकेंड इसमें मैग्नेटिक वाला है थोड़ा सा, तो वो उसके सारे डेरिवेशंस हैं, फॉर्मूले वगैरह, न्यूमेरिकल्स वगैरह, कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आप यहाँ से देख लेना। इसके अलावा जो आपकी अदर चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पेपर के अंदर वो सारे मेरे चैनल पर मैं प्रोवाइड करा दूँगी आगे आने वाली वीडियोस में। और जो अदर पेपर हैं उनके नोट्स तो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चैनल बीएससी के सभी स्टूडेंट्स के लिए नोट्स प्रोवाइड कराने के लिए बनाया हुआ है, जहाँ पर आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा बीएससी का। सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए नोट्स हेल्पफुल हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का पेपर चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में हो फिज़िक्स के अंदर, लेकिन आपको ये जो टॉपिक्स है ना वो सेम ही मिलेंगे। हो सकता है कि कुछ टॉपिक किसी अदर चैप्टर के अंदर हो, कुछ अदर यूनिट के अंदर हो, लेकिन जब आप पूरी प्लेलिस्ट चेक करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की, जो मैं आपको 5 यूनिट प्रोवाइड कराऊंगी, 5 चैप्टर अलग अलग, वो कंप्लीट मिलके आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का कंप्लीट नोट्स कवर कर देगी आपके बीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग। यदि आपने वो नोट्स भी अच्छे से कर लिए तो आपका पूरा पेपर एकदम बीएससी के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कंप्लीट कवर हो जाएगा, आपको फिर कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतनी मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ इन नोट्स को प्रोवाइड कराने के साथ साथ, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है नोट्स को बनाने में, तो आप इतना तो समझ ही सकते हैं। ठीक है, नाउ यहीं पर आपकी ये पीडीएफ कंप्लीट हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।